Good morning, all of you. Hello, the next chapter, differentiability. यहाँ से थोड़ा खूबसूरत चीज़ स्टार्ट होती है. डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन टाइप की आसान आसान चीज़ें जिसे कहते हैं. मतलब इससे पहले भी आसान ही था वैसे तो, बट ये जो चीज़ है ना, ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना, जो फिजिक्स वाले बेचारे फाइट मारते हैं शुरू में सिखाने के, नहीं एकदम साइन एक्स का डिफरेंशियल, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, हटाते नहीं ऐसे हटाते ना, वो शुरू हो गया है यहाँ से. ठीक है, मतलब जो फिजिक्स में हेल्प करती है ना, बेसिकली मैथ यार, जो फिजिक्स में मैथ हेल्प करती है वो स्टार्ट हो चुकी है इस चैप्टर से. डिफरेंशिबिलिटी, कुछ जगहों पे डेरिवेबिलिटी के नाम से भी ये चीज़ मिल सकती है, एक ही चीज़ है. डिफरेंशिबिलिटी डेरिवेबिलिटी एक ही बात होती है. ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करना, ये दोनों एक ही चीज़. अब डिफरेंशिबिलिटी या डेरिवेटिव, इसका मीनिंग क्या है? तो इसके मीनिंग की जब बात करी गई तो दो बातें आई इसकी मीनिंग में. एक तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जो कि हमारे लिए है. एक इसका फिजिकल मीनिंग, जो फिजिक्स वाले यूज करते हैं. फिजिक्स वाले जो यूज करते हैं काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स से शुरू हो जाता है ये डिफरेंशिएशन. अरे कराया है, थोड़ा सुना हो नहीं लगता क्या भाई साहब? फिजिकल मीनिंग क्या है भाई साहब? फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. भाई साहब डिफरेंशिएशन मेरे को क्या देता है? डिफरेंशिएशन गिव्स मी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ लिमिट में भी इस चीज की बात करी है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स मी स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ भी बोल लो. तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो अपन ने लिखा ना, ये एक पर्टिकुलर केस है. वाई पर्टिकुलर केस, क्योंकि नॉर्मली हमें वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिलता है. हमें जो मिलता है ना नॉर्मली, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिलता है. जबकि यहाँ पे ये जो चीज अभी हमने लिखी है, ये लिखा होना चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, सुनना ध्यान से, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये ज्यादा जेनरिक हो गया. डिफरेंशिएशन हमेशा किसका किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हम ds by dt निकालते हैं, क्यों? डिस्टेंस ट्रेवल टाइम पे डिपेंड करती है भाई. हम dv by dt निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है इसलिए. सही है, टाइम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भाई साहब, टाइम तो हमेशा ही बढ़ता रहेगा, वो तो हमेशा चलता रहेगा. उस पर डिपेंड कौन कर रहा है? स्पीड ट्रेवल कर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या वेलोसिटी कर रही है, जो भी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे. तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. टाइम कौन है? इंडिपेंडेंट. ये फिजिक्स में जो आप लोग यूज़ करते हैं उसकी बात बता रहा हूँ मैं. तो डी एस बाई डी टी, डी वी बाई डी टी. मैथ में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से काम चलाते हैं, इसलिए हमने लिखा वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये जनरिक है. डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस तो डिफरेंशिएशन का, इट गिव्स मी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. भाई सब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी फिजिक्स वाले थोड़ा बहुत तो बताते हैं, ऐसी बात नहीं है. ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब डिफरेंशिएशन गिव्स मी क्या देता है भाई साहब? स्लोप. किसका? टेंजेंट का. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू a. ये फिर से एक पर्टिकुलर केस. शुरुआत से, लिमिट की शुरुआत से हम इंटरेस्टेड एट x इक्वल्स टू a पर है. किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे खींची जा सकने वाली टेंजेंट का स्लोप दे सकता है कौन? डिफरेंशिएशन. क्लियर है? ठीक. अब देता कैसे है ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये देता कैसे है, और डिफरेंशिएशन जो है वो किया कैसे जाता है? देखो भाई ऐसी बात है, फिजिक्स वालों ने तो हमें रटा दिया. क्या?
कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स रेस टू पावर एन का डिफरेंशिएशन, नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे, एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। भाई देखो ऐसा है, मैथ है केमिस्ट्री तो है नहीं कि प्रोडक्ट देखा ना जा सके। आपने जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रटे वो कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना, 100% आए होंगे, ठीक है। वो कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए भाई, वो हम इस वाले चैप्टर के अंदर बखूबी देख सकते हैं। उसको देखने से पहले हमने एक नोट लिखा, इसकी चर्चा हम लोग लिमिट नाम के चैप्टर में भी कर चुके हैं, नई नहीं हमारे लिए। टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। कभी किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालने को बोलते हैं ना लोग बाग, या टेंजेंट बनाने को बोलते हैं, तो हम पहले उस पॉइंट पे क्या बनाते हैं, सीकेंट बनाते हैं। ये बेसिक तरीका है टेंजेंट बनाने का कि उस पॉइंट पे क्या बनाओ, सीकेंट बनाओ, फिर धीरे धीरे उन सीकेंट के जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनको पास लाओ, तो उनको पास लाओगे तो वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट। सही है, सीकेंट बनने का तरीका यही। एक मेरे को कर्व दिया था भाई कुछ इस तरह का, इस पे एक पॉइंट था ए एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये कर्व है वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, ए कॉमा एफ ऑफ ए। अरे वाई तो अपने आप मिलता है भाई, आप तो एक्स दो वाई तो फंक्शन देगा। आपने अगर एक्स दिया है तो वाई कहां से, फंक्शन से। सही है, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो गए भैया, ए कॉमा एफ। इस पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट खींची जा सकने वाली टेंजेंट का स्लोप लिखना था, ठीक है। चलिए ऐसा हम लोग पहले एक बार लिमिट में कर चुके हैं, जब हमें किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए थी तो हम के हमने क्या किया था, उस पॉइंट पे जाके एक टाइम इंटरवल खुद से क्रिएट किया डेल्टा टी का, खुद से क्रिएट किया भाई, मुझे इस पे टेंजेंट बनानी है। सही है, क्लियर है, ये कंसेप्ट मास्टर लिमिट में भी क्लियर कर चुका है कि टेंजेंट करके कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती भाई साहब, मिथ्या है ये, टेंजेंट इज अ मिथ्या। टेंजेंट करके इस दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सीकेंट एग्जिस्ट करती, वो सीकेंट धीरे 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 अपना चेहरा बदलती है और किसमें कन्वर्ट होती है, टेंजेंट। तो हम तो सीकेंट बनाएंगे, सीकेंट बनाने के लिए मेरे को इस पे इस कर्व पे एक पॉइंट और चाहिए था, समझ रहे होगा कोई है। तो फिर शहर ने बोला कि एक काम करो, आप एक काम क्यों नहीं करते, ए से हॉरिजेंटली एच यूनिट की डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए बी, कितने यूनिट की डिस्टेंस पे, एच यूनिट, तो फिर बी के कोऑर्डिनेट भी पता थे मेरे को, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एफ। सही है, जब भी कुछ नया होता है सभा बुलाई जाती है, पता है आपको, सवा बोलो सर तुमने एच क्यों, एच हमारे चल रहा है बचपन से भाई, लिमिट से हमारे साथ एच नाम की एक चीज चल रही है जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं। एच इज ऑलवेज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वो धीरे धीरे मैं इसे स्मॉल कर दूंगा, अभी तो मैंने बड़ा किया, पास लाएंगे तभी तो टेंजेंट बनेगी भाई। फिलहाल मेरे को ये वाली जो लाइन है ए बी, ये एक सीकेंट की तरह दिखी, ये इस कर्व के लिए क्या है, सीकेंट। सही बात है, इस आगरा से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर गिराया मंकी, क्या मुझे ये बीएम की वैल्यू पता है, बीएम की कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, क्या मुझे एएम पता है। अगर थोड़ी देर के लिए इसे थीटा मान लिया जाए तो क्या मुझे ए बी लाइन का स्लोप पता है, हैं? किसी भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से कोई एंगल इसको पीछे खींचोगे अगर, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा यार, तो टेन थीटा इस लाइन का स्लोप हुआ, हुआ या नहीं हुआ, तो क्या इस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी टेन थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये इस कर्व का, कर्व पे खींची जाने वाली एक सीकेंट का स्लोप था, ठीक है। हमने धीरे धीरे क्या किया, इन लिमिटिंग केस, ये कंसेप्ट है, ठीक है। हाउ टेंजेंट इज इवॉल्व, आई कहां से भाई साहब, एक्चुअली सीकेंट बनी।
अब क्या होगा, मुझे टेंशन किसी में रहनी थी, ए पे दो बातें हैं, या तो बॉम्बे आगरा की तरफ जाए या आगरा बॉम्बे की तरफ जाए, पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम इस बात का। अगर बॉम्बे आगरा की तरफ आएगा, ठीक है, मान लो धीरे धीरे यहाँ पे आया, पास में आ गया, बी डैश बन गया, ए और बी डैश को मिलाया क्या बनी, सीकेंट, और पास आया फिर भी सीकेंट, और पास और पास और पास और पास और, अच्छा जैसे जैसे बॉम्बे आगरा के पास आएगा एच टेंड्स टू, वही सेम जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड बनाई थी, बिल्कुल सेम डिट्टो चल रहा है। एच टेंड्स टू, वहां डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो था, टाइम इंटरवेल जितना छोटा करते जाओगे आपकी एवरेज स्पीड विल टेंड टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपकी एवरेज स्पीड किस में कन्वर्ट होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे जैसे एच जीरो की तरफ अप्रोच करेगा ये सीकेंट लाइन किस में कन्वर्ट होगी, टेंजेंट लाइन। सही है, ये बॉम्बे जिस दिन आगरा में समाने वाला होगा उस दिन यहां से एक टेंजेंट लाइन निकले। सही है, इस लिमिटिंग केस को अप्लाई कैसे किया जा सकता है, इस पे लिमिट लगा के। लिमिट किसकी लगानी है, एच की, एच जीरो की तरफ जा रहा है ना भाई, एच ही तो वो वेरिएबल है जो मैंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है। सही है, मेरे को टास्क क्या दिया गया था, ए एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, मुझे उसके कोऑर्डिनेट पता थे ए कॉमा एफ ऑफ ए, मुझे उस पर टेंजेंट, मुझे उस पर खींची जा सकता है टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना। मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, बिल्कुल सिरे से इनकार कर, भाई साहब हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टेंजेंट होती नहीं कुछ। सही है, फिर मांडवली करी गई, नहीं नहीं खींचनी तो पड़ेगी भाई साहब, कुछ तो करो। तो हमने एच डिस्टेंस पे ये इंट्रोड्यूस किया वेरिएबल, एच डिस्टेंस पे जाके एक दूसरा पॉइंट बनाया मैंने, और मैंने उन्हें मिला के एक सीकेंड लाइन बनाई पहले, और फिर बोला कि अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो मुझे टेंजेंट लाइन का स्लोप मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है।